हेलो वेलकम बैक गाइस। तो आ चुके एक और न्यू वीडियो लेके। जैसे कि आप लोग पता है गेम को 5 साल हो चुके अभी तक और ये 5वीं एनिवर्सरी इसकी, ठीक है ना। तो इसका गेम प्ले लाना अपन भूल गए थे अपने चैनल पे लाने का, और भाई आज लेके आ चुका हूँ फाइनली। जैसे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बोला था जो न्यू टी वाले 5वीं यूनिवर्सरी का वो गेम प्ले आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेके आने वाला, तो आज लेके आ चुका हूँ। और गेम प्ले आप लोगों के लिए बहुत ही क्लासिक गेम प्ले देखने को मिलने वाले, क्योंकि हैकर के ज़माने में ब्रेक टू फिनिश करना बहुत मुश्किल हो चुका है, पर तुम्हारा भाई आज नहीं कि बहुत आराम से ब्रेक टू फिनिश करता है और दो फेयर प्लेयर भी मिलते हैं भाई। ये अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है अपने लिए। तो चलो यहाँ पे आप लोग देखो किस तरह से मैं गेम प्ले फिनिश करूँगा। पहले यहाँ पे देखो टॉप फ्लेप में इसको मारता हूँ और जो न्यू पक है भाई उसके साथ, और अपना जो न्यू स्टैगर है वो तो न्यू स्टैगर आपको दिख ही रहा होगा। तो मैंने बताया था आप लोगों को भी न्यू स्टैगर के साथ भी गेम प्ले लेके आने वाले। न्यू स्टैगर और न्यू पक दोनों का साथ में गेम प्ले लेके आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पे बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को गेम प्ले देख के, क्योंकि मुझे ये न्यू स्टैगर से गेम प्ले करने में बहुत ही मज़ा आया, तो आपको देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे देखो अभी कनेक्शन दिख रहा है आप लोगों को ऊपर में, तो पहले तो मैं यार इस वाली कॉइन को थोड़ा सा कनेक्शन बना के मार लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी खटक रही थी भाई मेरी नज़र में, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको पहले मार लेता हूँ। अब यहाँ पे देखना ये शॉट आप लोगों ने ध्यान से देखना है। अब टॉप फ्लैप में जो कॉइन मेरी फंसी हुई है, ठीक है ना, मैं सीधा नहीं मारूंगा इसको, थोड़ा सा क्रॉस खेलूंगा, क्योंकि जो कॉइन मेरी फंसी हुई है ना उसको भी मैं निकाल लूँगा। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से कुछ ट्राई करना है, यूनिट ट्राई करना है। यहाँ पे देखो मैंने बहुत ही आराम से निकाल लिया हूँ यहाँ पे अपनी कॉइन, और भी लास्ट में इसको कट मार लूँगा स्लोली, और भी गेम को नहीं क्या इजिली विन कर लेता हूँ और चलते भी नेक्स्ट गेम प्ले पे। और यहाँ पे नेक्स्ट गेम प्ले आप लोग देखो ध्यान से किस तरह से फिनिश करूँगा। तो इस वाले गेम प्ले में फेयर प्ले मिल जाता, तो यहाँ पे देखो किस तरह से अभी मैं इस गेम को फिनिश करूँगा। वैसे उसको टर्न मिली थी पहले, पर वो पूरी कॉइन को पोर्ट नहीं कर पाया, फिनिश नहीं कर पाया, तो यहाँ पे चांस तो मुझे मिल चुका था। अब यहाँ पे चांस मिल गया तो आपको पता है अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन पूरा ही फिनिश करके जाते हैं यहाँ से वीडियो। और भाई अपना सब्सक्राइबर भी था, वीडियो अपलोड करने का बोला था, भाई लो आपका वीडियो भी अपलोड हो चुका है। अगर भाई आपने वीडियो देख लिया तो भाई इंस्टाग्राम पर टैग जरूर कर देना भाई, मुझे पता चलना चाहिए आपने वीडियो देख ही लिया अपना। तो गाइस इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना आप लोगों, ठीक है ना। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपन लाइव भी आने वाले, आप लोगों से बात करेंगे सब लोगों से, ठीक है ना। तो जिसने फॉलो नहीं किया होगा तो जाके जरूर फॉलो करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर जाके फॉलो करो, वहाँ पे भी एंटरटेनमेंट होने वाला है बहुत सारा। तो चलो कोई नहीं, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ टॉप राइट में इसको मारता हूँ। जैसे कि आपको पता हो आप रेगुलर हो चुके हैं 11 अप्रैल के अंदर, और रेगुलर वीडियो डालने वाले आपसे, ठीक है ना। वैसे 2 दिन में एक वीडियो डालते आपको पता है, पर 2 दिन में एक वीडियो डालेंगे और रेगुलर हो जाएंगे, ठीक है ना गाइस। और 4-5 दिन का गैप नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है भाई छोटे टेबल पे गेम प्ले खेलेंगे, पर गेम प्ले आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो कौन कौन चाहता है भाई छोटे टेबल पे मैं गेम प्ले लेके आऊँ, कमेंट में यस बता देना आप लोगों ने, ठीक है ना। अगर नए लाना बड़े छोटे टेबल का गेम प्ले तो नो भी आप लोग लिख सकते हो भाई, क्योंकि बड़े टेबल का गेम प्ले लाना बहुत मुश्किल हो चुका है आपको पता है। अगर जब आपको छोटे टेबल का रेगुलर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। और अगर जब लॉन्ग वीडियो का लाने जाते हो गाइस, यार 3-4 दिन लगते हैं, क्योंकि भाई आपको पता है क्यों लगते हैं 3-4 दिन, क्योंकि अभी फेयर गेम प्ले वाले बंदे वहाँ पे मिल ही नहीं रहे हैं, और जो अपना आईटो प्लेयर है वो बैक टू बैक आते जा रहे हैं, और सबके जो कॉइन्स है वो छीन के लेके जा रहे हैं भाई ज़बरदस्त से, ठीक है ना। तो इसी तरह से कुछ चल रहा है, तो भी रेगुलर गेम प्ले भी लाना नहीं हो रहा है, क्योंकि आदमी नहीं कि थक जाता है इंसान, क्यों थक जाता है गाइस, क्योंकि बार बार गेम प्ले लगाने में और बार बार टर्न अपनी नहीं आने में, तो इसमें दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है सामने वाले बंदे का। और इसी कारण की वजह से मैं गेम प्ले रेगुलर नहीं लेके आ रहा था। और यहाँ पे आप लोग ये शॉट देखो किस तरह से मैं मारता हूँ अपने ओपोनेंट के कॉइन को हटा के, बहुत ही बेहतरीन शॉट था ये। अब यहाँ पे देखो आप लोग देखने वाली बात है, रेड वाली कॉइन को मैं ऊपर से मारूंगा, और यहाँ पे मेरी एक और कॉइन फंस जाती है इसको पोर्ट करे बाद, ये वाली देखो यहाँ पे ये कॉइन फंस चुकी है। अब मुझे थोड़ा सा क्रॉस खेलना पड़ेगा, ऊपर वाली जो कॉइन दिख रही है आप लोग स्टैगर के पास के मेरे, उसको नहीं कि मुझे थोड़ा सा क्रॉस खेलना पड़ेगा, और जो मेरी फंसी हुई कॉइन है उसको निकालना पड़ेगा। वैसे मुझे पता है गैप कम है, फिर भी तुम्हारा भाई देखो किस तरह से उसको गैप में से निकालेंगे, टॉप फ्राइड में पोर्ट करेंगे, थोड़ा सा क्रॉस खेलूंगा, और यहाँ पे देखो किस तरह से भी पोर्ट करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा मैं सोचा था भी किस तरह से जाएंगे, पर यहाँ पे तुम्हारा भी फाइनली उसको मार ही लेता है आराम से, और देखो कॉइन पोर्ट हो चुकी है, थोड़ा सा कॉइन अपनी श्योर भी हो चुकी है फाइनली। तो ये शॉट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोगों ने बताना है भी छोटे टेबल का गेम प्ले लेके आना है कि नहीं आना, तो जरूर कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ठीक है ना। छोटे टेबल का गेम प्ले लेके आना है कि नहीं आना है, और यहाँ पे बड़े टेबल का तो लेके आऊँगा, पर थोड़ा सा टाइम हो सकता है गाइस, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने, बस कमेंट ही करना है यस या नो, ठीक है ना। यहाँ पे चलो अब मैं क्या करता हूँ, अब ये ब्रेक भी अपने को मिल जाता है, क्योंकि क्यों मिलता है, सामने वाला बंदा फेयर प्लेयर मिल जाता है मुझे लकीली, और भाई यहाँ पे नहीं कि पूरा फिनिश कर लेता हूँ मैं गेम प्ले। आप लोग ध्यान से देखो कनेक्शन मार रहा हूँ टॉप फ्लेप में, और देखो बहुत ही प्यारा सा एक कनेक्शन मार के जो कॉइन से मेरी ओपन कर लिया मैंने। अब यहाँ पे ये वाली जो कॉइन है रेड वाली कॉइन सॉरी, और यहाँ पे मैं आराम से निकाल लेता हूँ भाई एक कॉइन मेरी आसानी से। तो मुझे लग रहा था पहले मैं इसको पोर्ट करूँ टॉप फ्लेप में मार के, पर यहाँ पे थोड़ा सा गैप की दिक्कत हो रही थी, तो मैं सोचता हूँ भाई चलो थोड़ा नज़दीक से मारेंगे और इसको पोर्ट करेंगे भी पहले, और टॉप राइट में कौन सी टॉप राइट में मार रहा हूँ, ठीक है ना, टॉप लेफ्ट में ना टॉप राइट वाली कॉइन मार रहा हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो टॉप राइट वाली मैंने मारने की ट्राई करा, पर कॉइन मेरी पोर्ट हुई नहीं, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा था टॉप राइट वाली नहीं हुई, टॉप लेफ्ट वाली कॉइन पोर्ट हो गई। और यहाँ पे मैं टॉप लेफ्ट में इसको मार लेता हूँ,
अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस तरह से कॉइन्स अभी मेरे फंसे हुए 3, पर मैं पहले इसको पोर्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा रास्ता क्लियर हो जाएगा और यहाँ पे क्लियर भी हो जाता है रास्ता अपना। तो टॉप राइट में इसको आराम से खेल लेता हूँ 1000 कॉइन को और दोनों को निकालने की कोशिश करता हूँ। निकल चुके हैं ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से, तो पहले मैं इसको पोर्ट कर लूँगा टॉप राइट में और लास्ट वाली कॉइन को टॉप लेफ्ट में पोर्ट करके इस गेम प्ले को भी ईजिली विन कर लेते अपन। तो चलते विन नेक्स्ट गेम प्ले पे आप, तो यहाँ पे इसको पोर्ट कर ले आसानी से। अब यहाँ पे गाइस जो आप लोग देख सकते हो फेयर प्लेयर एक आधा बार मिला अपने को, तो अपन क्या करते हैं पूरा फिनिश करके जाते हैं। अगर चाइट प्ले मिला गेम में तो आपको पता है सिर्फ एक आप लोगों को एक कॉइन मिस करना है भाई, कुछ भी नहीं करना है, बस आपके जो टर्न भी आई ना सिर्फ आपको एक कॉइन मिस करना है, वो आपका पूरा गेम छीन के लेके चल जाएगा, ठीक है ना। तो फेयर प्लेयर आए तो आप लोग चांस मिल सकता है भाई, 3 बार 4 बार 5 बार भी मिल सकता है, ठीक है ना। और आई टू प्लेयर आया तो एक बार भी चांस नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। अगर जब उसका जब नेट जाएगा जब भी आप लोगों को चांस मिल सकता है, वैसे नेटवर्क जाने वाला नहीं है उसका, क्योंकि भाई वाईफाई से खेलता हूँ बंदा, हैकर्स ज़्यादातर वाईफाई से खेलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं टॉप लेफ्ट में इसको मार लेता हूँ। अब यहाँ पे जो कॉइन्स मेरे आप लोग देख सकते हो किस तरह से रिलीज नहीं है, एक ही कॉइन रिलीज है पर बाकी के कॉइन जो है फंसे हुए, तो दोनों को देखो किस तरह से पोर्ट करूँगा। पहले इसको पोर्ट करता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता क्लियर करने का ट्राई कर रहा था पर क्लियर नहीं हुआ, पर मेरे पास एक कॉइन थी टॉप लेफ्ट में पोर्ट करने के लिए और इससे कुछ कॉइन निकाल सकता हूँ मैं। और भाई कॉइन्स तो निकले पर यार इतने खास नहीं निकले, तो देखते भी अभी क्या कर सकता हूँ मैं। पहले मैं इसको टॉप राइट में मार लेता हूँ, देखता हूँ भाई ऊपर से जाती कि नहीं, मेरे ख्याल से चले जाएंगे भी ऊपर से। और इसको मैं पोर्ट कर लेता हूँ पहले, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकती है भाई, टच ना हो जाए, टच विच यहाँ पे अगर हो गई कॉइन तो चांस नहीं मिलने वाला, क्योंकि सामने वाला बंदा भी हैकर है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मिस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जो कॉइन्स आप लोग देख सकते हो लास्ट वाली किस तरह से फंस चुके, अब मैं क्या करूँ यहाँ पे ध्यान से देखो क्या करता हूँ, ध्यान से देखना किस तरह से पोर्ट करूँगा इस वाली कॉइन को मैं टॉप राइट में ऊपर से पोर्ट करूँगा। बहुत ही प्यारा शॉट लगने वाला गाइस, ये शॉट देखो आप लोग, ठीक है ना, ये शॉट तो आपको बहुत पसंद आएगा और लाइक ज़रूर कर देना, अभी तक लाइक नहीं किया तो 500 लाइक का टारगेट है, ज़्यादा टारगेट नहीं रखा हूँ, ठीक है ना। तो लाइक का बटन दबा देना भाई, सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को मैं। तो चलो यहाँ पे आप ये गेम प्ले देखो, वैसे लास्ट गेम प्ले होने वाला है पर बहुत ही प्यारा गेम प्ले है। तो मैं टॉप लेफ्ट में एक कनेक्शन मार लेता हूँ, बहुत अच्छी तरह से कॉइन पोर्ट भी हो जाती है और कॉइन्स रिलीज भी होती है बहुत अच्छी तरह से अपने। तो मैं टॉप राइट में इसको मारे बाद जो कॉइन्स आप लोग देख सकते हो बीच में 3 कॉइन ऑलमोस्ट फंसे हुए थोड़े से, पर ये शॉट से भाई मैं निकाल लेता हूँ भाई 2 कॉइन्स मेरे अच्छी तरह से। और यहाँ पे टॉप राइट में इसको मार लेता हूँ, अब रेड वाली कॉइन थोड़ी सी फंसी हुई है पर मैं उसको भी निकालूंगा, टेंशन मत लो। कनेक्शन इसको मार के थोड़ी सी कॉइन को हटा लूँगा अपने ओपोनेंट की और यहाँ पे इस वाली कॉइन को कट मार के थोड़ा सा रेड वाली कॉइन का रास्ता क्लियर कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। और लो भाई रेड वाली कॉइन क्या यार गाइस, यहाँ पे हरी कॉइन को फंसना ही था क्या। चलो इसको पोर्ट करने का ट्राई करता हूँ और यहाँ पे देखते भी पोर्ट होती कि नहीं कॉइन अपनी। ये लो भाई हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है लेकिन ना भाई, हक दिया।